Good morning, dear student. We are going to start our chapter. This is your chapter, chapter 7 for class 2. This is your chapter. Your chapter name is Rubber Turning. It's a very beautiful story. This chapter shows rabbit's nature, how rabbit is. The rabbit is very humble, very polite, and very loyal for his friend. And he is very kind-hearted. Rabbit is very kind-hearted, and this story shows his kindness, rabbit's kindness. So let's start our story, okay? It was winter. Rabbit was hopping about in a field. He was looking for something to eat. It is going to snow soon. Rabbit said to himself, I have to find some food. So he pawed through the field till he found a turnip. Then he found a second one. He took the turnips and hurried home. तो इसमें इस कहानी में क्या बताया कि इस कहानी में ये कहानी कब की है? एक विंटर मतलब जाड़े के टाइम की है, जब बहुत ही स्नो हो रहा था, जिस टाइम बहुत ही स्नो हो रहा था, बर्फ गिर रही थी आकाश से. और रैबिट क्या कर रहा था? फाइंड सारे जानवर, सिर्फ रैबिट ही नहीं, इस स्टोरी में डंकी भी है, गॉट भी है, डियर भी है, फोर एनिमल्स हैं जो इस के कैरेक्टर है. और उसमें रैबिट को फर्स्ट दिया गया, मतलब ये जो स्टोरी है वो रैबिट के अराउंड ही मूव कर रही है. तो इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि रैबिट जो है उस विंटर मॉर्निंग को हॉप करता हुआ फील्ड में गया. क्यों? वो क्या कर रहा था? वो खाने को ढूंढ रहा था, वो फूड को सर्च कर रहा था. ही वॉज सर्चिंग द फूड. ओके, तो वो क्या हुआ, वो फूड को सर्च कर रहा था. तो फिर वो गया, कहाँ गया? बाहर में गया. बाहर में काफ़ी स्नो था. रैबिट खुद से बोला, वो खुद से बातें कर रहा था, कोई तो वहाँ नहीं था कि कुछ फूड अपने लिए ढूंढ लूँ. और उसने क्या किया, पॉड किया. इट मीन्स कि वो खोद रहा था अपने पैर से उस ज़मीन को खोद रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए फील्ड को. और उसने क्या पाया? टर्निप. दो टर्निप उसने पाए. और वो टर्निप लेके जल्दी जल्दी कहाँ चलाया? अपने घर को चलाया. ठीक है, सुन, रैबिट वॉज वार्म सेफ एंड हैप्पी. अब वो स्नोई, उस समय विंटर का टाइम था, ऊपर से स्नो भी हो रहा था. तो क्या हुआ कि वो रैबिट ना बहुत खुश हुआ. क्यों? क्योंकि वो सेफली घर चलाया था. क्योंकि जब ठंडे में देखते हैं, ठंडी लग जाती है हम लोगों को बाहर जब हम लोग जाते हैं, और उस टाइम तो स्नो हो ही रहा था. तो फिर क्या हुआ, रैबिट घर चलाया खुशी खुशी और सेफली चलाया. देन ही थॉट अबाउट डंकी. डंकी लिव अलोन ऑन अ हिल. आई वंडर्ड इफ डंकी हैज एनी फूड. सेड रैबिट, आई हैव टू टर्निप्स, आई विल गिव वन टू हर. फिर क्या होता है, उतने ही देर में जब उसे टर्निप तो मिल जाती है, वो खुश भी हो जाता है, सेफली घर को भी लौट आता है. फिर क्या होता है, उसने जो टर्निप फाइंड आउट करा है तो वो उसे खाता. बट वो क्या सोच रहा है उस समय सोच रहा है कि यहाँ पे एक डोंकी है जो कि अलोन रह रहा है इस हिल पे, इस पहाड़ पे, और वो क्या खाएगा? वो भी तो भूखा होगा ना. तो वो उसके बारे में भी सोच रहा है, और वो ये भी सोच रहा है कि मेरे पास तो टू टर्निप्स है, और मैं क्यों ना एक टर्निप उसे दे दूँ. तो अभी ये रैबिट यही सोच रहा है कि मैं जो सेकंड वन जो है वो मैं किसे दे आऊँ, उस डोंकी को दे आऊँ, क्योंकि वो भी तो फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो भी तो सर्च कर रहा होगा फूड का. ये सोच के वो देखिए फिर नेक्स्ट पेज में. सो रैबिट स्लोली रोल्ड अ टर्निप ऑफ द हिल टू डोंकीज हाउस. और वो जाके उसको हैंड में नहीं देता, इन हैंड नहीं, वो क्या करता है, वो धीरे से उसको रोल कर देता है. किस चीज को? टर्निप को. टर्निप को वो लुढ़का देता है कहाँ? उसके घर के पास, कि वो खुद से ढूंढ ले कि ये जो टर्निप है ये उसके पास आया है. वो इस चीज़ को शो भी नहीं कर रहा है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है या फिर मैंने तुम्हें कुछ फूड दिया है. ये इस चीज़ को वो शो भी नहीं कर रहा है. कौन? रैबिट. और फिर वो उसके घर के पास उस टर्निप को क्या करता है, लुढ़का देता है. डोंकी वॉज नॉट एट होम दैट टाइम. डोंकी वॉज नॉट एट होम. उसमें क्या होता है, डोंकी जो रहता है वो घर में नहीं होता. इट वॉज स्नोइंग. सो रैबिट लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर एंड हॉप्ड बैक होम. और फिर बेचारा दिखता है कि अभी तक तो बोलिया नहीं. इट मीन दैट कि वो घर में नहीं है. तो वो क्या करता है, वो उसके डोर के पास रख के आता है. देखो टर्निप बेचारा कितना सोच रहा है,
कितना हेल्पफुल नेचर है उसका, कितना वो हम्बल है, कितना उसका पोलाइटनेस उसके चीज में दिख रहा है, उसके बिहेवियर में दिख रहा है कि डंकी नहीं लिया, मतलब डंकी नहीं निकला तो वो समझ गया कि वो नहीं है यहाँ। तो वो क्या किया कि फिर होप्ट करके उसके घर के बाहर, डोर के बाहर वो उसको एकदम रख के आता है डंकी, और फिर होप करता हुआ फिर उछलता हुआ कहाँ चला जाता है, अपने घर को चला जाता है। कौन? रैबिट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद डंकी रिटर्न होम, डंकी आता है घर को। शी हैड फाउंड अ पोटैटो फॉर हरसेल्फ, शी सॉ द टर्निप बाय द डोर। व्हाट अ लवली सरप्राइज, सेड डंकी, बट माय पोटैटो इज इनफ फॉर मी गॉड्स, ऑलवेज हरी, आई शुड टेक दिस टू हिम। और फिर वो डंकी क्या करता है, क्या लेके आता है, वो भी फूड की सर्चिंग में गया होता। स्नोई एरिया था, विंटर सीजन था, तो ऑल एनिमल्स क्या कर रहे थे, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे किस चीज़ को, फूड को, ठीक ना। तो आपने लिए तो वो भी क्या लेके आया था, कुछ पोटैटोज लेके आया था। तो देखो, मतलब एक होता है ना कि आपके पास अगर एक पेंसिल है तो आप कभी कभी दूसरे की भी पेंसिल देख के आपके अंदर ग्रीडीनेस आ जाता है, लालच आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ कितना सब लोग शेयरी है, और जिसके पास है वो चीज़ को लेके बहुत ही सेटिस्फाइड है, खुद में वो संतुष्ट है कि मेरे पास है, उसके पास नहीं है तो उसको भी दे दे, मतलब शेयरी नेचर है, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग भी होते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ग्रीडीनेस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो टर्निप जो है वो लेके जाता है, कहता है कि ये तो मेरे पास इनफ है, मेरे पास पोटैटो। वो क्या फाइंड आउट करके लाता है अपने लिए, पोटैटोज को, और कहता है पोटैटोज तो मेरे पास इनफ है। फिर वो क्या करता है कि एक गॉड रहती है, वो सोचता है कि बेचारी गॉड को तो कुछ नहीं मिला होगा, चलो ये उसको उसके साथ जाके शेयर कराए, उसको दे आते हैं, उसे चाहिए होगा। उसे क्या चाहिए होगा, उसे खाने को कुछ चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास तो मैंने पोटैटोज भी खा लिया और मेरे पास इनफ है, और तो ये टर्निप है जो कि सरप्राइजिंगली मुझे मिला है, और मैं इसे उसे जाके दे के आता हूँ किसे, जो उसका सर्कल में रहता है। इट मीन्स कि वो लोग सारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो फ्रेंड्स से क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो वो डंकी की फिर किसको शेयर करने को जाता है, गॉड को। डंकी ट्रॉटेड टू द गॉड्स हाउस, but he was not there, so donkey left the turnip by the door and went back home. और उसके बाद वो जल्दी जल्दी वॉक करके जाता है, कौन, ये डोंकी जाता है, और वो किस चीज को लेके, टर्निप को लेके, उसको देख के आते हैं, और वो भी नहीं रहती उस समय, वो भी अपने हाउस में नहीं रहती। तो फिर क्या कहता है डोंकी, वहीं पे उस के दरवाजे के बाहर, फिर उस टर्निप को क्या करता है, छोड़ के जाता है, किसको, एक टर्निप को, किसके लिए, उस गॉड के लिए जो कि उसका फ्रेंड रहता है, उसके लिए वो छोड़ के जाता है। और फिर धीरे से वो टर्निप रख के फिर वो अपने घर को बैक हो जाता है, कौन, डोंकी। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसको। वी हैव डन आवर हाफ स्टोरी, देन वी हैव डन आवर हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी इन योर नेक्स्ट वीडियो सेक्शन। हैव अ नाइस डे, बाय।